भिंड गोह क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक स्थल खनेता धाम में संत विजयराम दास महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 30 जनवरी से 8 दिवसीय सनातन धर्म महासंगम का आयोजन होने जा रहा है। इस 8 दिवसीय समारोह में चारों मठों के शंकराचार्य, जगत गुरु बागेश्वर धाम महंत, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महामंडलेश्वर सहित देश भर से साधु संत शामिल होंगे। इस धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बुधवार को सांसद संध्या राय, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस और एसएसपी कमलेश कुमार, तहसील के एसडीएम, एसडीएम पंचायत, सीओ, इसी दौरान श्री श्री महामंडलेश्वर महंत राम भूषण दास महाराज जी से मुलाकात की और कार्यक्रम की विशेष चर्चाएं की। फिर सांसद संध्या राय और कलेक्टर सतीश कुमार सभी अधिकारियों ने मंदिर और यज्ञशाला, भोजन स्थल, कथा स्थल और पार्किंग आने जाने, संत दर्शन को पधारने और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो रुकने की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए घूमकर जायजा लिया। कन्याता धाम में 30 से 6 फरवरी तक सनातन धर्म महासंगम होने जा रहा है, जिसमें पहले दिन कलश यात्रा का आयोजन, 8 दिन तक संतों का महासंगम चलता रहेगा। हवन, रासलीला, प्रवचन और भी महासंतों का संगम होगा, जिसमें अभी हाल ही में दंद्रोआ सरकार पर कथा हुई थी। 5 लाख के करीब भीड़ थी। प्रशासन को ऐसी संख्या है कि ऐसी भीड़ न हो जाए, इसलिए कलेक्टर और संध्या राय ने मिलकर इस सभी जिले के गोहत एसडीएम महाराज जी ने बैठकर इस विषय पर चर्चा की। 11 किलोमीटर लंबी निकाली जाएगी कलश यात्रा, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश, अंदर बाहर पुलिस बल तैनात रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होंगे, रोजाना होगा 251 क्विंटल हवन सामग्री से दी जाएगी आरतियां। 2 बीघा में तैयार की जा रही, 8 दिनों तक रोजाना 251 क्विंटल हवन सामग्री से श्रद्धालु होती है। हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, 4 शंकराचार्य और 35 और वक्ता बढ़े जा रहे थे। किस तरह की तैयारियां प्रशासन भी पहुंचाया जाए जाने के लिए, किस तरह की तैयारियां? प्रशासन ने पूरा आश्वस्त किया है, हमारी सांसद महोदय बैठी हैं और इनका अथक प्रयास है यहाँ पर, और कलेक्टर साहब और सभी पूरा प्रशासन यहाँ आज था, उन्होंने सब आश्वासन दिया है कि हम पूरी सारी व्यवस्थाएं करेंगे और लगभग 2 से 5 लाख आदमी तक उन्होंने किया है, उतनी व्यवस्थाएं वो लोग कर रहे हैं। कुछ खास तैयारियां गौरव गांव, चूंकि प्रशासन के अनुमान से ज्यादा भीड़ हुई थी, यहाँ तो 4 शंकराचार्य और बागेश्वर धाम भी मारा जा रहे हैं, तो किस तरह की और व्यवस्थाएं की जा रही है अलग से? मतलब जो मतलब जनसंख्या है उसकी ज्यादा ही मतलब कर रहे हैं जो लोग व्यवस्थाएं, जनसंख्या है उस हिसाब से ज्यादा ही लेकर की व्यवस्थाएं चल रही है, क्योंकि दंद्रुगा से अवगत हो चुकी है, इसीलिए उससे बेहतरीन व्यवस्थाएं कर रही है। दौरव गांव में भारी भीड़ थी, तो भीड़ के लिए मशीनों से खाना बनाया गया, चाहे वो कंक्रीट मशीन हो, चाहे वो बुलडोजर हो, खाने के लिए जिस तरह की यहाँ भी व्यवस्थाएं हो रही है? नहीं, व्यवस्थाएं तो हलवाई वही है, सामग्री पूरी वही है, पर वो अब जैसा वो उचित समझेंगे वैसा अपन को भोजन कराना है, 2-2.5 लाख आदमी का अपन भोजन कराएंगे। अब वो मशीन से निकालते हैं या हाथ से निकालते हैं, उनकी व्यवस्था है, आवश्यकता है। देखिए, ये कनेता में एंड ऑफ जनवरी से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के संबंध में यहाँ का जो ट्रस्ट के माध्यम से, यहाँ के महाराज के माध्यम से हमको एक सूचना मिला है, और उसके आधार पर हम आज एक प्रिलिमिनरी बैठक किया है सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में। इसमें कौन सा रूट रहेगा, क्या वन वे रहेगा, कहाँ पार्किंग रहेगा और कहाँ सभास्थल रहेगा, कहाँ भंडारा स्थल रहेगा, कहाँ यज्ञ रहेगा, कितना लोग आएंगे, तो उन्होंने एक एस्टिमेट उन्होंने बताए हैं, तो उस एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ जमीन के हमने और बढ़ाने के लिए भी इनको रिक्वेस्ट किए हैं। सभास्थल में एरिया भी बढ़ाना होगा, भंडारा के एरिया में भी बढ़ाना होगा। तो जो अनुमान जो इनका जो ट्रस्ट के माध्यम से, धर्मगुरु के माध्यम से किया गया है, तो उसके अनुमान का लगभग दुगुना को मानते हुए हमको तैयारी करने का ज़रूरी है, और इसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी जिम्मेदारी सौंपे हैं और ट्रस्ट को भी हमने अवगत कराए हैं कि तदनुसार सभास्थल और बाकी यज्ञ स्थल और भंडारा स्थल में तो आवश्यक व्यवस्था, आवश्यक स्पेस बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, को भी जिम्मेदारी सौंपे हैं और ट्रस्ट को भी हमने अवगत कराए हैं कि तदनुसार सभास्थल और बाकी यज्ञ स्थल और भंडारा स्थल में तो आवश्यक व्यवस्था, आवश्यक स्पेस बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ जो जो ट्रस्ट के माध्यम से, जो महाराज जी के माध्यम से हमको बताया गया कि अराउंड 2.5 लाख के आसपास भीड़ संभावित है, बट इसमें हम क्योंकि ग्वालियर पास में हैं, मुरैना पास में हैं, जो हो सकता है यहाँ क्योंकि इतना शंकराचार्य जी आ रहे हैं, तो इसलिए इसका दुगुना भीड़ के हिसाब से तैयारी करने का ज़रूरी है। तो उससे हमने महाराज जी को और ट्रस्ट को भी अवगत कराया है, तो उसी के हिसाब से वो व्यवस्था यहाँ जमाएँ
और साथो साथ जो प्रशासन और दूसरा डिपार्टमेंट का जो सहयोग होंगे व्यवस्था में वो पूरा यहाँ करेंगे। इसलिए मैं बोला था 2.5 लाख को दुगुना के हिसाब से तैयारी रखने के हमने बताए। कोविड के संबंध में जो गाइडलाइंस राज्य सरकार के द्वारा तत्समय में जो प्रचलित होंगे तो